हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गुड। मेरे चैनल एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। एंड मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास टेंथ के CBSE के टर्म 2 का मैथ्स का सैम्पल पेपर है, जिसमें हम आज सेक्शन ए हो पाए तो सेक्शन ए पूरा कर लेंगे। एंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें क्या है कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 टू A15 फॉर द AP दे रखा है हमें वैल्यू फाइंड करनी है A15 की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें AP क्या दे रखा है, AP दे रखा है हमें 6, 9, 12 एंड 15। ये हमें AP दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है A25 टू A15। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A25 को इसको लिख सकते हैं हम A+24D, राइट, एंड माइनस A+14D। A+24D है इसको अंदर, अगर हम इसको अंदर खोल देते हैं, ब्रैकेट लगाया हमने, A+24D माइनस A माइनस 14D। माइनस A से प्लस A कट जाएगा, 24D में से 14D को माइनस करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 10D, राइट, 10D आएगा। अब हमें AP क्या दे रखा है, ये दे रखा है। इसमें AP का जो फर्स्ट टर्म्स होता है वो क्या होता है, A होता है। A क्या है, 6 है, तो D क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, 9 माइनस 6 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो D की जगह हम 3 रख देंगे, 10 × 3 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, 13 आ गई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें दूसरा पार्ट दे रखा है, या तो ये करो या ये करो। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, दूसरा पार्ट बोला है, इफ़ 7 times the 77 terms ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 times the 5th terms, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। यानी कि वो बोल रहा है कि हमें 7वीं टर्म का, यानी कि 7th टर्म का, यानी कि A7 का, 7th टर्म को हम A7 से डिनोट करते हैं, इसका 7 times एंड 5th टर्म का 5 times, और हमें फाइंड क्या करना है, A12 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी कि 12th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, कि ये हमें दे रखा है। इसको मैंने भी बोला क्या लिखते हैं, 7, A7 को क्या लिख सकते हैं, A+6D एंड 5 A+, ये 5 है तो इसको क्या लिखेंगे, 4D, राइट, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7A+42D, 7, 6 है 42 होता है, इक्वल्स टू 5A+20D हो जाएगा, राइट, ये इक्वल्स टू हटा दो, उधर उधर जाके जीरो लग जाएगा, इक्वल्स टू हटेगा, तो 7A+42D, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -5A -20D इक्वल्स टू 0। 7A से 5A माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2A आ जाएगा। 42D में से 20D माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का आपका 22D आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। अब हमें A12th टर्म की वैल्यू निकालनी है, 12th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे हम A+11D, यानी कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, यहाँ से अगर मैं 2 बाहर कॉमन ले लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, A+11D आ जाएगा, इक्वल्स टू 0, 0 यहाँ जाएगा तो इसके नीचे चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, A+11D इक्वल्स टू 0, यानी कि क्या आई इसकी वैल्यू, 0 आ गई। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन में था कि या तो ये करो या ये करो,